हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। व्हेन एनर्जी लैक ही विल कम बैक। तो ये लाइन जो है, ये मैंने आज आपको क्यों बोली क्योंकि आज मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूंगी आपके साथ जो कभी कभी मुझे खुद ही टच कर गई अचानक से, जो कि प्री प्लान नहीं था, कुछ सोच के नहीं बोला गया, लेकिन वो मुझे मतलब टच कर गया और मैंने सोचा कि ये मैंने क्या बोल दिया तो ये जो लाइन है, ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे रेगुलर सेशंस लेती हैं और उनकी जो रीडिंग थी उसके दौरान उन्होंने पूछा कि मैम प्लीज़ टेल मी व्हेन विल ही कम बैक। और क्योंकि मैं अधिकतर जो है टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, तो मैंने उनको बोला कि व्हेन द एनर्जी लैक ही विल कम बैक। और जैसे ही मैंने बोला तो वो और मैं दोनों एकदम से सरप्राइज हो गए कि ये मतलब मुझे भी लगा कि ये मैंने क्या बोला, ठीक है, और ये अचानक से वैसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है। तो बेसिकली और वो भी हंसने लगे और उन्होंने बोला कि मैम मैं समझ गई, आप ये अब वीडियो में बताओगे और आपका एक वीडियो आएगा इस पर बेस्ड। मैंने बोला हाँ जी, ये तो पक्का है कि मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूँगी और वो भी चाहती थी कि मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूँ। तो यहाँ पे जो है, आपको जो लोग भी पूछते हैं कि रीयूनियन या कम्युनिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या गाइडेंस मिलती है, तो चलिए जो कार्ड्स के जरिए मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो तो आपके करंट एनर्जी के आधार पे आपको जो गाइडेंस मिलती है एंजल्स देते हैं, यूनिवर्स देते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। बट एक जनरल मैं एडवाइस देना चाहती हूँ आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो ट्रैक पे आए, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ ट्रैक पे आए और आपकी ये जो चीज़ें लटकी पड़ी हैं आप उनको सॉर्ट आउट हो पाए वो, तो अगर आप सच में ऐसा चाहते हो तो सच में बता रही हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, उनको एनर्जी का सप्लाई बिल्कुल आपको कट करना होगा, ठीक है। जब मैं बात करती हूँ एनर्जी की सप्लाई, मतलब एनर्जी की सप्लाई बंद करना। अब यहाँ पे जो है बहुत मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लॉक कर दे मैम, मैं चाहती हूँ कि मैं ब्लॉक कर दूँ, तो मैं हमेशा ही जो है इस चीज़ के कभी पक्ष में नहीं रहती हूँ। उसका एक रीज़न है कि मैं इसके फेवर में क्यों नहीं रहती हूँ। मैं इसके फेवर में इसलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि देखिए, जब आप ये बोलते हैं कि आप स्प्लिट सोल्स हैं, ठीक है, आप लोग जो है वो एक ही सोल हैं, ठीक है। अब आप ये इमेजिन करिए, मतलब ये मेरा फंडा है ना, मैं बिल्कुल भी ये ब्लॉक करने के तरीके पे बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। तो ये ऐसा क्यों मैं सोचती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप अपने अदर हाफ को ब्लॉक करते हैं तो मेरे ख्याल से और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। जब आपके इनर वर्क का जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, ठीक है, आप ये सोच के देखिए कि मान लीजिए एक बॉडी समझिए, ठीक है, और उसका आधा हिस्सा अगर आपने ब्लॉक कर दिया, यानी कि आपने उसको पैरालाइज कर दिया, यानी कि वो किसी काम का नहीं है, अब से उससे काम नहीं लेना, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो बॉडी है वो हाफ हो गई, यानी कि आपने अपने आधे पार्ट को खुद ही ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आपने एक हाथ को यूज़ किया, दूसरे हाथ को ब्लॉक कर दिया कि मैं अब इस हाथ का यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये बात सच है और ये बात मैंने कई केसेस में नोट की है कि जब आप अपने ट्विन को ब्लॉक करते हैं तो आप बहुत सारे अदर मैनिफेस्टेशंस को, ब्लेसिंग्स को, अपनी जर्नी के और ज़्यादा असेंशन को, काफ़ी हद तक आप बहुत सारी चीज़ों को जो आपको शायद मिलनी चाहिए वो ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। तो आप किसी और को ब्लॉक नहीं कर रहे हो, आप खुद को ही ब्लॉक कर रहे हो। और इसका क्या एक्सक्यूज़ हो सकता है कि खुद को ब्लॉक क्यों करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए ना खुद को ब्लॉक। इसकी बजाय आप एनर्जी वाइज कट करो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनर्जेटिकली कट करो, ठीक है। ब्लॉक करना कोई साधन नहीं है। अगर आपने मान लीजिए ब्लॉक कर दिया, अपनी सुविधा अनुसार आप जा रहे हो अनब्लॉक करके, DPP चेक करके आ रहे हो और अपडेट्स चेक करके आ रहे हो, फिर वापस ब्लॉक कर दे रहे हो, तो सच बताइए कि क्या लेट गो हुआ, क्या जो है सच में डिटैच हुए आप? नहीं ना, आपने अपना दिल खुश कर लिया कि आपने ब्लॉक कर दिया, आपने बहुत बड़ा स्टेप उठाया और अब आप जो है ब्लॉक करके बैठ गए हो,
लेकिन ये बात सच है कि जिस चीज़ को आप जितना ब्लॉक करने की कोशिश करोगे वो आपका ध्यान उतना ही अपनी तरफ खींचती है। पहली बात तो ये। सेकंड बात ये कि मेरा मानना ये है कि मैं तब मानती हूँ कि आपका ठीक से लेट गो हुआ है, या मैं तब मानती हूँ कि आपका जो है ठीक से डिटैचमेंट हुआ है, अच्छे से परफेक्टली हुआ है, मैं तब मानती हूँ कि आप बैलेंस में हो जब ऐसा होना चाहिए कि वो पर्सन आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है लेकिन वो पता नहीं कहाँ है। यू आर नॉट चेकिंग देयर अपडेट्स। ठीक है, वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ही है, वो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं होते, बहुत टाइम बात नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में नीचे चले जाते हैं, है ना। और लास्ट मतलब उनका जो कुछ भी होता है वो, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे, बात होती है फिर 2 महीने बात नहीं हो रही है, 3 महीने बात नहीं हो रही है, महीनों से बात नहीं हुई तो वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो पर आप क्या उनको डिलीट या ब्लॉक करते हो क्या? नहीं ना, आपकी एनर्जी वहाँ पे डिटैच होती है। आज अगर वो फ्रेंड आपको हेलो हाय करता है तो आप हेलो हाय करते हैं, आपकी एनर्जी नहीं हिलती है। ठीक है, ऐसा वो पर्सन जिसे आप अपना डिवाइन पार्टनर कहते हो वो ऐसा आम इंसान बन जाए आपके लिए। ये होता है डिटैचमेंट का सही मतलब। ये जो डिवाइन 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 पार्ट डिवाइन मस्कुलिन कह कह के जो आप बहुत सारी चीज़ें शायद बेयर कर रहे होते हो, या बहुत सारी चीज़ें जो है शायद आप अपने साथ होने दे रहे होते हो, ठीक है, वो इतना साधारण इंसान बन जाए आपके लिए। वो डिवाइन मस्कुलिन तभी कहलाएंगे जब वो प्रॉपर अवेकन होके अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने अवेकनिंग के उसमें आ जाएंगे, अपने असेंशन में आ जाएंगे, तब वो डिवाइन मस्कुलिन कहलाएंगे। तब तक वो आपके लिए भी आम ही रहने चाहिए। वो इतने आम हो आपके लिए कि वो आप ही की कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, आप ही के उसमें है, लेकिन ठीक है बहुत सारे दोस्त भी होते हैं जिनसे हम कभी बात नहीं करते। इस स्टेज पे जब आ जाओ तब आप समझना कि आप डिटैच हो या आपने लेट गो सक्सेसफुली किया है। ठीक है, कभी मुझसे ये तो मत पूछेगा कि मैम क्या मैं ब्लॉक कर दूँ, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया कि ये जो आप अपने काउंटर पार्ट को ब्लॉक करेंगे तो आप स्वयं को ब्लॉक करते हैं, मेरा ये मानना है। और ये कई जगह पे प्रूव भी हुआ है। बहुत सारे लोग अपना ही मैनिफेस्टेशन, जो अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में, उनको ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जिनसे मैंने अनब्लॉक भी करवाया है कि आप अनब्लॉक करो, अपनी एनर्जी कट करो। अगर आप ब्लॉक कर रख के बैठे हो और फिर उस ब्लॉक का असर आने का इंतज़ार कर रहे हो तो वो इट्स ऑफ नो यूज़। ठीक है, तो क्या चीज़ यूज़ की है? यूज़ का ये चीज़ है कि आपको इस हद तक डिटैच होना है कि वो पर्सन क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, किसके साथ हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ें आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती हैं, एग्जिस्ट नहीं रखती हैं। तब आप समझ जाना कि आपको जो है अच्छे लेवल पे जर्नी के आगे हो और अपने असेंशन के अच्छे लेवल पे हो। ये थी कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती थी। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप मेरे साथ सेशन बुक करना चाहते हो तो आपको नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप लीजिए मेरा नंबर, मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना। और यार सबको कमेंट करते हो, मुझे कमेंट करने में कंजूसी क्यों करते हो ये बताओ मुझे बस। मतलब मेरे से आपसे आप लोगों का बात बात करने का दिल नहीं करता, बस सुन लिया ठीक है बोल रही थी मैम, नहीं कमेंट करके जाएगा। आज जो जो ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।